सो फ्रेंड्स, अब मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी का भुजिया। तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं। नॉर्मली आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे। तेल देना है, उसमें पंचफोरन देना है, हरा मिर्च देना है और भिंडी दे देना है। मैं आज आप लोगों को भिंडी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी ज़रूर सुनाऊंगी। मेरे साथ ऐसा हुआ है, हुआ था एक बहुत टाइम पहले। भिंडी की भुजिया से रिलेटेड एक स्टोरी जो आज तक मैं भूल नहीं पाई हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने भिंडी का भुजिया छौंक दिया है। इसको बिना ढके के बनाना है। भिंडी के भुजिया में बस पंचफोरन देना है, मिर्च देना है और हल्दी देना है। इसमें नमक सबसे लास्ट में दिया जाता है और भिंडी को स्पेशली धुल के उसको सुखाना रहता है। उसको पानी के साथ ही कभी नहीं चौंकना चाहिए, नहीं तो वो चिपचिपा रहता है। तो मैंने रात में इसे अच्छे से वॉश कर दिया था और फैला दिया था कपड़े से ताकि वो अच्छे से सूख जाए। और सुबह उठ के इसको कट किया है, चौंक दिया है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए भिंडी का भुजिया बनके तैयार है। मैंने जब ये थोड़ा सा पक गया था तो मैंने इसमें प्याज कट करके दिया था, उसके बाद नमक दिया था। तो अभी ये हो चुका है, बस इसको गैस को बंद करना है। सो फ्रेंड्स, अब मैं सेकंड बनाने जा रही हूँ। बना रही हूँ परवल का भुजिया। तो बस अब ये मेरा सेकंड सब्जी और लास्ट सब्जी। उसके बाद बनाना है दाल चावल। Zebronix for life. Bluetooth mode. सो फ्रेंड्स, मिलिए यहाँ मेरे फ्रेंड को Zebronix ब्लूटूथ। एक्चुअली मैं यहाँ मैं किसी से बात किसी को जानती ही नहीं, तो क्या बात ही क्या करूँगी। और बहुत ये भी बहुत बिजी रहते हैं, इनके पास भी मेरे से बात करने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो बस मैं सुबह उठती हूँ, इसको ऑन करती हूँ, इसमें बहुत सारा सॉन्ग कनेक्ट करती हूँ मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से जो भी हो, और फिर सॉन्ग सुनती हूँ और मेरा सारा काम चुटकियों में फिनिश हो जाता है। ये मिलिए मेरे बेस्ट वाले फ्रेंड से। बताइए कैसा बना है खाना? गुड गुड, आप बेस्ट तो बोलने वाले हैं नहीं। ये देखिए आज इन्होंने न्यू शर्ट पहन लिया है, तो आप लोग बताइए कैसे लग रहे हैं। न्यू पेंट, थैंक यू। लाइन अच्छा से काटते हैं। न्यू पेंट, हाँ। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है जूही अवस्थी, मैं बिहार भागलपुर से बिलोंग करती हूँ और अभी हूँ मैं अपने घर में, मतलब राजेंद्र नगर में। तो आइए, आप लोगों को पता होगा कि आज मेरे घर में, आज नहीं कल मेरे घर में एसी आया है, तो उसका पूजा करना है। अभी वो इंस्टॉल हो रहा है तो हम लोग उसका पूजा करेंगे। तो पहले सबसे पहले भगवान जी का पूजा करते हैं। आइए दिखाती हूँ मैं अपने मंदिर को। मेरा पूजा पाठ वगैरह हो चुका है। ये देखिए, ये है मेरे भगवान जी। ये सारा है न्यू प्लेट, वो न्यू प्लेट जो मैं कल लेकर के आई थी। वैसे मैंने रात में ही न्यू प्लेट में भोग लगा दिया था, जल ग्लास में जल दिया था। क्योंकि मैं कुछ भी फ्रूट वगैरह लाती हूँ तो सबसे पहले भगवान को चढ़ाती हूँ, तभी हम लोग खाते हैं। फ्रूट हो, मिठाई हो, नमक का कोई भी चीज़ मैं भगवान को नहीं चढ़ाती। अदरवाइज़ मैं कुछ भी लाती हूँ तो सबसे पहले अपने भगवान जी को खिलाती हूँ, चढ़ाती हूँ, तभी मैं यूज़ करती हूँ। बाकी कल बृहस्पतिवार था, मेरा फास्ट था, तो मैंने ये सारे प्लेट वगैरह में भोग लगा दिया था। और आपको पता है, ये देखिए ये मेरा दीपक है। जब तक मैं यहाँ रहती हूँ तब तक, जब से मैं पूजा करूँगी तब से ये रात तक दीपक जलता रहता है। जब मैं सोने चली जाती हूँ तब
लास्ट टाइम इसमें घी देती हूँ चेंज वगैरह करके, फिर वो जब तक जलना रहता है जलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी मैंने दीपक जलाया है तो अब नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में मैं उठूँगी तब तक मेरा दीपक जलता रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दीपक जलता ही रहे, क्योंकि जितने दिन मैं नहीं रहती हूँ मेरे भगवान जी बासी ही पड़े रहते हैं, ये ना दीपक जलाते हैं ना इनको भोग लगाते हैं, कुछ भी नहीं। बट मैं भगवान वहाँ रह के भी अपने भगवान जी को वहीं से प्रणाम करती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ। ये सिर्फ आस्था की बात है और मेरी आस्था है तो मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बहुत अटैचमेंट है मेरा मेरे भगवान के साथ, मुझे लगता है कि वो सुन रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, वो हमेशा मेरे साथ हैं। आप लोग भी किसी एक ऐसे इंसान में, ऐसे भगवान में आस्था रखिए जो जो कोई ना सुने, आप मन ही मन बोले और वो सुन ले। बाकी चलिए देखिए, मैं कल लड्डू और मिठाई लेके आई थी, मिठाई तो ठीक ठाक रहा बट लड्डू टूट गया, क्योंकि बेसन का लड्डू था और वो एकदम नीचे रखा गया था तो फिर टूट गया। कोई बात नहीं, भगवान टूटे हुए लड्डू का ही भोग खा लेंगे, ये सिर्फ आस्था की बात है। मैंने बहुत प्रेम से इनके लिए भोग लगाया है। चलिए यहाँ देखिए, मैंने एसी की पूजा करने के लिए भी थाली तैयार कर ली है, अब वो इंस्टॉल होगा तो मैं पूजा करूँगी। बस भगवान जी अपना आशीर्वाद हम सब पे बना के रखें, सब पे, सिर्फ मेरे पे नहीं, सब पे। तो बस चलिए, इसके साथ ही मेरे ब्लॉगिंग में मेरे साथ बने रहिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे घर में एसी लग चुका है, इंस्टॉल हो चुका है और मैंने इसकी पूजा भी कर ली है। पूजा मैंने लटक के की है, यहाँ खिड़की पे किसी तरह से खड़े होके तब मैंने पूजा किया है, इसीलिए आप लोग देख सकते हैं टीका भगवान, मतलब एसी में टीका मैं अच्छे से नहीं लगा पाई हूँ, क्योंकि लटक के किसी तरह बस एक तरफ से पकड़ के एक तरफ मैंने पूजा किया है। बाकी आप लोग मुझे बेस्ट विशेस दीजिए, भगवान जी सब पे अपनी कृपा करें। आइए पूछते हैं हस्बैंड से उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि उन्हीं को बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वो रात भर सोते नहीं हैं, रात भर बस जूही पानी पिला दो, जूही पानी दे दो, जूही पानी दे दो करते रहते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि अब वो खुश हैं, क्या लग रहा है आप? गर्मी का मजा आएगा सच में, गर्मी बज रहे हैं 7, तो अभी मैं नहा के आई हूँ, सारा काम वगैरह करके। एक्चुअली मैं आपको पता है कि एसी इंस्टॉल हुआ है तो फिर इसके इंस्टॉलेशन के वजह से पूरा बेड वगैरह गंदा हो गया था, फर्श वगैरह ऑलमोस्ट पूरा घर ही गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो सबको साफ वगैरह करके फिर आराम से फ्री हो के फिर हम लोग चाय पीएंगे। हम लोग नहीं, सिर्फ मैं, तो मेरा चाय बन चुका है। आइए आप लोग को दिखाती हूँ आज कितना सारा चाय मैं पीने वाली हूँ। ये देखिए, ये रहा मेरा चाय। सो फ्रेंड्स, अभी मैं खाने जा रही हूँ आइसक्रीम। ये देखिए आइसक्रीम मैं 3 लेके आई थी, बट एक मेरे लिए, एक इनके लिए और एक और इन और एक गेस्ट आए हुए थे उनके लिए। बट जब मैं आ गई तो मैंने देखा कि एक और लोग आए हुए हैं, तो बस मैंने दे दिया। तो देखिए इन्होंने पूरा पूरा आधा मेरे लिए बचाया है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने जा रही थी कि एक बार भिंडी के भुजिया के संबंध में, जब जब मैं भिंडी का भुजिया बनाती हूँ तो मुझे वो याद आता है। मैं कभी निगेटिव, मैं कुछ भी भूलती नहीं हूँ, मतलब निगेटिव कुछ तो मैं कभी नहीं भूल पाती। बता रही हूँ मैं, ये सबके साथ होता है,
लोग निगेटिव चीज़ को भूलते नहीं हैं, मैं इसलिए नहीं भूलती ताकि जो उससे मुझे सबक मिला है वो मैं फिर अगेन वैसी गलती ना करूं, इसलिए मैं नहीं भूलती। अब भिंडी का भुजिया के बारे में बताना है। एक बार मैंने किसी के लिए भिंडी दाल चावल भिंडी का भुजिया और तुरई का सब्जी बनाया था। अब वो हमारे रिलेटिव थे तो उनके लिए बनाया था स्पेशली, जैसे मुझे आता है। उस टाइम बहुत अच्छे से तो नहीं आता था, अभी भी उतना अच्छे से मैं बहुत अच्छी कुक नहीं हूँ, बट हर लोग सीखते सीखते ही सीखते हैं, तो मैं सीख रही हूँ, मैं लर्नर हूँ और शायद पूरे जीवन मैं लर्नर ही रहूँगी। परफेक्ट होना तो पॉसिबल नहीं है शायद। तो फिर मैंने बनाया, बहुत बहुत प्रेम से बनाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उन लोगों ने खाना खाया तो थोड़ा सा चावल भी गीला हो गया था, मुझे आज भी याद है, क्योंकि मुझे बहुत सारा खाना बनाने का अंदाज उस टाइम नहीं था। शायद चावल गीला हो गया था, शायद, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है, बट भिंडी का भुजिया ठीक बना था। मुझे नहीं लगता कि कुछ उसमें प्रॉब्लम थी, बट पता नहीं, लोगों को दूसरे के हाथ के खाने में बुराई निकालने की आदत होती है, कुछ लोगों को होती है, तो उन्होंने क्या बुराई निकाला वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। उनका कहना था कि हाँ वाओ, तुमने ये सारा चीज़ बनाया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा तो नहीं ही बोलना आता है उनको, बट हाँ वो खाना हम लोगों के लिए बनाया ये वो। फिर खाना वगैरह खाने के बाद उन लोगों से जब हम लोग बात वगैरह कर रहे थे, तो उनका कहना वो बताए कि एक बार ऐसे ही हमारे घर में एक कपल आया था, उसकी वाइफ ने ऐसे ही दाल चावल और भिंडी का, नहीं ऐसे ही नहीं बोला था, उसने बोला था कि, तो कहाँ थी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। फिर ऐसे ही वो लोग उन्होंने बताया मुझे कि हमारे घर में एक कपल आया था, उसने दाल चावल और भिंडी का भुजिया बनाया था, ऐसा चावल गीला हो गया था, भिंडी का भुजिया इतना बेकार बनाया था, हम लोग तो कोई नहीं खाए थे, वही दोनों पति पत्नी खा के वो सारा खाना सधाए ये वो अगैरा वगैरह क्या 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 क्या, सारा मनगढ़ंत कहानी। तो फिर मैं नहीं समझी, रियली मैं नहीं समझी कि ये मुझे बोला जा रहा है। आफ्टर सम टाइम मैंने उस पर्सन का एक एक आदत देखा कि जैसे उनको मुझे कुछ कहना है, वो हमारे घर आई हैं, रहने आई हैं या हैं, मेरी गेस्ट हैं, बट उन्हें जब मुझे कुछ कहना रहता था तो वो डायरेक्टली नहीं बोलती थी, उसने ऐसा किया था तो वैसा हुआ था, इसने ऐसा किया था तो वैसा हुआ था। फिर सेकेंड डे भी कुछ ऐसा हुआ तो उन्होंने मुझे ये एग्जाम्पल दिया कि उसने ऐसा किया था तो वैसा हुआ था। फिर जब मैं आराम से बैठी कभी, तो मुझे लगा कि इस इंसान ने मुझे भिंडी के भुजिया के बारे में, चावल के बारे में ऐसे ऐसे बोला, मुझे बोला, वो मनगढ़ंत कहानी बना के वो मुझे बोला गया था। उसके बाद भी मैंने कोई, मुझे लगा शायद मैं गलत हूँ, फिर मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि लोग कैसे होते हैं यार। अरे आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप उनको सामने बोलो कि हाँ ये अच्छा नहीं हो पाया, ये और अच्छा हो सकता था, या नहीं ये अच्छा नहीं है। बट लोगों की आदत, मैंने तो उस इंसान के बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना के रखा था कि लकली मैं बहुत लकी हूँ कि ये मेरे लाइफ में है, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरा एवी वाला ही विचार था, वो एवी विचार था जो अब नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि अपने वही होते हैं जो डायरेक्टली बोलते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, आप सही करो, ऐसे होता है, वैसे होता है, बट इनडायरेक्टली बोलना कभी अच्छा नहीं होता। धीरे धीरे वो लोग हम लोगों से दूर होते चले जाते हैं, बट हाँ मुझे इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। मेरे जो भी अपने हैं मैं उन्हें बताती हूँ कि ये करो वो करो ये ना करो, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा कोई बात नहीं,
जरूरी नहीं है कि सब लोग हमारे अकॉर्डिंग चलें, बट इस तरीके से इनडायरेक्टली बोलने का क्या वे होता है यार। अच्छे से बोलो, समझाओ, फैमिली हैं, गेस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत है, तो सामने से समझाओ, बोलो। इनडायरेक्टली वे में उतना सारा षड्यंत्र रच करके एक पिक्चर बना के बोलना मेरे नज़र में सही नहीं है, बाकी और पता नहीं। बस ये एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस रहा है भिंडी की भुजिया से रिलेटेड। और भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, बट भिंडी की भुजिया से रिलेटेड ये है। और आज भी मुझे वो पूरा दिन याद है, वो पूरा समय याद है, मैं कभी नहीं भूल सकती और ना मैं खुद को भूलने दूंगी वो समय, वो चीज़, क्योंकि उन सब चीज़ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो बस इसके साथ ही मेरा आज का ब्लॉगिंग यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और प्लीज़ अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे बताइए कि ये गलती हो गया, यहाँ ऐसे होना चाहिए, वहाँ वैसे होना चाहिए। टेक केयर, गुड नाइट।